रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्लास को, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर, गॉट इट? पोटेंशियोमीटर क्या होता है भाई? एक ऐसी डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में 3 नंबर में पोटेंशियोमीटर जो है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल होता है भाई, सिंपल से फैक्ट के ऊपर काम करता है। क्या सुनना और समझना जरा बेटा, ये पहले मैं इसको समझा रहा हूं उसके बाद हम लिखेंगे। क्या आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है? वी बराबर आर आई, करेक्ट। ऑल्सो आर हमने आपको पढ़ाया है, क्या रो ए होता है? सो कैन आई से दैट वी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, रो एल वायर की उस लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक वायर लें जो कि कांस्टेंट करंट, वायर की किसी भी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल रो उस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही हमारा बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वर्क्स across a given length uniform cross section directly proportional to length of that wire, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? और ये हमने कहां से यूज करा, ये हमने फ्रॉम ओम्स लॉ से, V बराबर आर आई, बट आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। सो V बराबर रो एल बाय ए इंटू आई, है ना? समझ में आ रही बात? ये फेयर हो जाएगा अभी काम, जो मैंने यहाँ पर समझाया था आपको, ठीक है। तो यहां से
इसी चीज को मैं v बराबर रो i बाय a इनटू l और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके l के। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं k, ठीक है, वेयर k बराबर क्या होगा v बाय l एक कांस्टेंट और यही कांस्टेंट कहलाता है। देखो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो उस क्वांटिटी का क्या बन जाता है बताओ, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे के में हो क्या रहा है, के में पोटेंशियल को हमने लेंथ से ही तो डिवाइड करा है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं है? ये है हमारा प्रिंसिपल किसका, पोटेंशियोमीटर का। डन। अगला हम करते वर्किंग, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का पहले मैं सर्किट डायग्राम समझने की कोशिश करता हूँ कि सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो इसमें जो सर्किट डायग्राम है बड़ा सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं है, इसमें एक वायर यूज करी जाती है। बेटा हमारी लैब में जो पोटेंशियोमीटर अवेलेबल होता है ना वो इन जनरल 4 वायर पोटेंशियोमीटर होता है, उसमें एक एक मीटर की 4 वायर लगी हुई होती है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई 4 वायर ही यूज हो, हमारी मर्जी है हम कितनी भी वायर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तुम्हारी लैब में जो पोटेंशियोमीटर यूज हो रहा है मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा जाता है और ये बैटरी इन जनरल सजावट के लिए या इसको एक यूज भी होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करा जाता है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कनेक्ट होता है इस तरह से। ये जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है हमारा, दिस सर्किट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, दिस इज प्राइमरी सर्किट। ठीक है, जिस डिवाइस का हमारा ड्रॉप मेजर करना है हो सकती है एक्स, उस डिवाइस का एक एंड हमने इस वायर के एक एंड पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है वो एक जॉकी हम इस वायर के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये काम कर रहे होंगे, अब वर्क कैसे करता है, ये तो वॉइस का कंस्ट्रक्शन बेसिकली, अब ये काम कैसे करता है वो सुनो। तो उस वायर के अक्रॉस देखो, इस सेकेंडरी सर्किट को भूल जाओ, ये प्राइमरी सर्किट में हमारा ये बैटरी कनेक्टेड है तो डेफिनेटली करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा कि नहीं आएगा। तो उस लेंथ के अक्रॉस जैसे जैसे वो लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, चेंज होगा। इधर जाएगा और ना कोई भी करंट इधर से इधर आएगा, यानी इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी,
उसको कहेंगे हम बैलेंसिंग कंडीशन बेसिकली, ठीक है, बैलेंस पॉइंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सेटअप जो है हमारा सर्किट सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर, is as shown in the figure, ठीक है। अब इसमें हमारे को जो पता होगा वो ये पता होगा, एक तो ये वायर जो है हमारी ए बी पूरी वायर, इस पूरी वायर का हमारे को रेजिस्टेंस पता होगा। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम यूज कर रहे हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस हमने सिलेक्ट करा है उस रेजिस्टेंस की हमारे को वैल्यू पता होगी, और ये जो सेल यूज कर रहे हैं हम या बैटरी यूज कर रहे हैं, इस बैटरी का हमारे को क्या पता होगा, ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज पता होगा एक तरह से, ठीक है। इतनी बात हमारे को पता होगी। अगर इतनी बात मेरे को पता है तो क्या मैं इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता लगा सकता हूँ? बताओ भाई, थोड़ी देर एक बार रिपीट करना, आवाज चली गई थी। आवाज चली गई थी क्या? चल ध्यान दे, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हमारे को इस सर्किट में जो पता होगी चीजें, वो एक तो इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस पता होगा, ये भी जो वायर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस वायर का हमारे को क्या पता होगा, रेजिस्टेंस पता होगा। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम यूज कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस भी हमारे को क्या होगा, पता होगा। और तीसरा, ये जो सेल हम यूज कर रहे हैं, इस सेल का हमारे को ईएमएफ या वोल्टेज पता होगा। अगर इतनी चीजें मेरे को पता है तो देखो, ये जो भी हमारा एक रजिस्टर ही तो हुआ, ये वायर ए बी जो है, तो ये ए बी रजिस्टर और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रजिस्टर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर। थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी सर्किट को भूल जाओ, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पता लग गया मेरे को ये E नोट पता है, तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ? yes. बोलो yes. और एक बार अगर करंट निकल करके आ गया, मेरे को इस AB वायर का रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं इस AB वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? yes, sir. और अगर AB वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पता लग गया, तो इसकी पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? उस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को इसकी टोटल लेंथ से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बताओ यार? और क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी के की वैल्यू पता लग जाएगी मेरे को? श्योर, ठीक है, तो We will calculate the current flowing in primary circuit. Using Ohm's law. And hence, we will find potential drop across complete potentiometer wire. ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? और ये हो किसके बराबर जाएगा, I इंटू आर ए बी, सिंपल, ठीक है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के
डन। नाउ के पता लग गया, जो कि इलेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड कॉन्टैक्ट मान लेते हैं आई हमारी स्मॉल है, ठीक है। देन नाउ पोटेंशियल रोप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना आ जाएगा भाई, V बराबर K इंटू L। भाई K हमारा क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ ऑफ वायर ही तो था, तो एक लेंथ के अक्रॉस हमें पता है, हमें L लेंथ के अक्रॉस निकालना है, तो इंटू L कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप across device x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, potential drop across balancing length of potentiometer right। सही है भाई, तो वी एक्स हमारा किसके बराबर हो गया, V जो कि कितना आया है K इंटू L। इस तरह से हम इस अननोन डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बताओ भाई, समझ में आई कहानी? Yes। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछो, ठीक है। अरे डन है क्या, बोलो। यस सर। 100% बताइए। ये हमारा बेसिकली पोटेंशियोमीटर की क्या हो गई, वर्किंग हो, ठीक है। डन बेटा, तो कल मैं इसकी आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा, तो इसकी कौन कौन सी क्या होती है एप्लीकेशंस होती है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछें। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी अननोन डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने की क्या आती है, काम आती है, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये उस फैक्ट के ऊपर काम करती है कि किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर जो कि कॉन्स्टेंट करंट कैरी कर रही हो, उस वायर की किसी भी गिवन लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है
वो उस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमने ओम्स लॉ से डेराइव करा कि वी आर आई होता है लेकिन आर रो एल बाय ए होता है, तो वी रो एल बाय ए इनटू आई हो जाएगा। अगर रो आई और ए कॉन्स्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल को। प्रोपोर्शनल टू इक्वालिटी में यूज करने के लिए हमने कॉन्स्टेंट के यूज करा, जहां पे के हमारा इस रिलेशन से किसके बराबर होगा, वी बाय एल। और वी बाय एल किसी भी चीज को लेंथ से अगर हम डिवाइड करें तो उसका ग्रेडियंट बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बोलो। तो ये हमारा के जो है वी बाय एल हो रहा है, यानी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया कि नहीं हो गया। सर्किट डायग्राम जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया ऐसा होता है। इसमें ये जो रेड पोर्शन में मैंने दिखा रखा है इसको प्राइमरी सर्किट कहते हैं, और ये वाला जो है इसको सेकेंडरी सर्किट कहते हैं, एक तरह से पोटेंशियल मीटर का। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट में हमारे को जो गिवन होगा वो एक सेल होगा या बैटरी होगी नॉन ईएमएफ की, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसमें से हम एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक वायर होगी ए बी लेंथ की, सॉरी ए बी किसी भी लेंथ एल की, कैपिटल एल की। ठीक है, इस वायर का हमें रेजिस्टेंस पता होगा। तो इस सर्किट में बेसिकली हमारे दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, एक ए बी का रेजिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, फिर ओम्स लॉ यूज करते हुए सर्किट में करंट निकालेंगे, और करंट निकालने के बाद वायर ए बी के अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। अगर वायर ए बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता लग गया तो हम इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर आया है उसको हम वायर की लेंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिवाइस एक्स का एक एंड कनेक्ट करा पॉइंट ए के ऊपर, दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के एक एंड से, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कनेक्ट करा, और उस चौकी को हम इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर क्या स्लाइड करा रहे हैं। कब तक स्लाइड कराएंगे बेटा, जब तक हमारा जो वो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग कितनी ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो रही है, इसका मतलब उस पॉइंट पे जो वायर की लेंथ आ रही है, उस अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमारा डिवाइस एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के क्या होगा, बराबर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो अगर हमें वो लेंथ पता लग गई, लेंथ पता लगने के लिए हम स्केल यूज कर सकते हैं। वो लेंथ पता लग गई हमें, हमें एक लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है, यानी के पता है, तो हम उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं के इंटू एल, और वही पोटेंशियल ड्रॉप हमारा उस डिवाइस एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के क्या होगा, बराबर। बोलो डन है ये चीज? Yes, ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।